राजधानी जयपुर के अंदर लगातार अवैध निर्माणों के सिलसिले देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके ऊपर लगाम आखिरकार क्यों नहीं कसी जा रही, इसी को लेकर के आज पोल खोल के अंदर हम आप सभी को जेडीए के जोन 14 की सच्चाई से अवगत कराने वाले हैं, जिसमें कृषि भूमि के ऊपर कॉलोनी बसाई जा रही है। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में पत्रकार करतार सिंह मौजूद है। करतार जी, आपका स्वागत है। लगातार राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर में ये अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहे, और यही मामला जोन 14 के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मामले के बारे में बताइए और फिर आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पुलकित जी, मैं आपको बता दूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण को आए दिन लाखों रुपए का, यानी अवैध निर्माणकर्ता कहो या बिल्डर कहो या भूमाफिया कहो, लाखों रुपए का करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं जी। राजस्व की हानि हो रही है। इसी को देखते हुए जो जयपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जेडी का जोन 14 है, वो यानी वाटिका रोड पर लादुरा मावा वाले के पीछे बालाजी वाली रोड है कलावाला गाँव जी, वहां पर यानी कृषि भूमि पर लगातार यानी कॉलोनियां बसाई जा रही है, कॉलोनियां काटी जा रही है। जो वहां के जोन प्रवर्तन अधिकारी है जोन 14 के राजेंद्र शर्मा जी, उनको जब हमारे द्वारा या हमारे संवाददाता द्वारा वहां बताया गया कि यह कृषि भूमि है, इस प्रकार के यानी 7 से 8 बीघा ये कॉलोनी है, जो खेत है कृषि भूमि का, इस पर कॉलोनी बसाई जा रही है, बाउंड्री वॉल किया जा रहा है, तो राजेंद्र जी का पलट के रिप्लाई ये आता है कि मैं दिखवाता हूँ, करीबन यानी 1 महीने 1.25 महीने पहले की ये बात है। उसके बावजूद वहां दिखवाने तो दूर की बात, राजेंद्र जी वहां खुद जाते हैं, वहीं से गाड़ियां निकाल लेते हैं, लेकिन निर्माण रोकने की जहमत तक नहीं करते, यानी हिम्मत तक नहीं करते। आप बताइए, जो निर्माण करता है कॉलोनाइजर है, जो कृषि भूमि पर कॉलोनी काट रहा है, तो एक जोन प्रवर्तन अधिकारी वहां से गुजरता है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी डामर रोड है वहां पर, ऐसा भी नहीं कोई कच्चा रास्ता है, वहां से निकलते हैं रोज, आते हैं जाते हैं, उन्हीं के आंखों के सामने ये सब हो रहा है। एक यानी मामला संज्ञान में आने के बाद भी यानी जोन प्रवर्तन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, क्यों भाई, क्या वजह है? इससे तो सीधा सीधा आरोप जोन प्रवर्तन अधिकारी के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है जी। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जब जोन प्रवर्तन अधिकारी ने यानी हमने मामला जब यानी 1 से 1.25 महीने पहले संज्ञान में डाला, तो तब तक उनका फोन चालू था, यानी कि हमारी जो भी वार्तालाप है या उनका फोटो वीडियो फुटेज या खबर के माध्यम से उनको अवगत करवाते रहे। लेकिन ऐसा क्या हुआ 15 से 20 दिन के बीच में, जब उस जो कॉलोनी है जो बसाई जा रही है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, 1.5 महीना हो गया उस बात को लेकर। जब प्रवर्तन अधिकारी को दोबारा यानी हमने इससे अवगत करवाना चाहा, तो प्रवर्तन अधिकारी ने एक कि हमारे जो संवाददाता है उनका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया, या कि उनको व्हाट्सएप पे कोई अपडेट नहीं मिल पाए। लेकिन शायद वो भूल गए कि वो एक जोन के अधिकारी है, लेकिन उनसे उनके ऊपर भी डिप्टी साहब भी बैठते हैं, यानी रुपर सैनी के एडिशनल कमिश्नर भी बैठते हैं, एडिशनल एसपी भी बैठते हैं, यानी जेडीसी भी बैठते हैं। इन बात को शायद वो यानी जोन प्रवर्तन अधिकारी राजेंद्र जी भूल रहे हैं कि यानी एक अधिकारी के ऊपर दूसरा अधिकारी की कुर्सी लगी हुई है। जब हमने कंट्रोल से यानी मालूम किया, तो कंट्रोल का कहना यह है कि जोन प्रवर्तन अधिकारी को अवगत करवा दिया है। पलट के राजेंद्र जी का कंट्रोल पे जवाब आता है कि कौन शिकायत कर रहा है। और भैया आम आदमी भी कर सकता है, जब जोन में गलत यानी गतिविधियां हो रही है, तो एक पत्रकार भी आपको सूचना दे सकता है कि भाई इस पर आप क्या कुछ कार्रवाई कर पा रहे हैं, यानी एक आम आदमी भी सूचना दे सकता है, ना कि यानी आप पूछने की बजाय उसमें कार्रवाई करिए ना। अगर वो गलत है तो आप कार्रवाई करो, अगर वो सही है तो आप बिल्कुल कंट्रोल पे रिपीट में जवाब दीजिए कि बिल्कुल वो सही कट रही है। आपको पता है कृषि भूमि है वो जीडी की मतलब उसमें नहीं आती है, एक कृषि भूमि है उसमें खेती कर सकते, ना कि कॉलोनी बसा के बाहर से निकले हुए जो यानी जमींदार आते हैं उनकी फैमिली आती है, यानी किसान लोग के वर्ग के लोग आते हैं, वो अपना आशियाना बनाते हैं, यानी घर बनाते हैं कि मैंने भी जयपुर के अंदर एक प्लॉट लिया है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये जेडीए जोन प्रवर्तन अधिकारी की मिलीभगत से निर्माण हो रहा है, या उनकी सह से कहो या उनकी और निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, ये कहो। अगर उच्च अधिकारियों को मालूम लगता तो डैशबैश होने में यानी काफी समय नहीं लगेगा, तुरंत प्रभाव से यानी रघुवीर सैनी जी के संज्ञान में मामला जाने के बाद कार्रवाई की जाती है। तो करतार जी, अभी तक इस मामले को उच्च अधिकारियों तक संज्ञान में लिया गया है? बिल्कुल, अभी यानी 4-5 दिन पहले रघुवीर सैनी जी के यानी व्हाट्सएप पे ये मैसेज भी कर दिया गया है और उनके फोटो फुटेज भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो यानी रिपीट में मैसेज भी है कि लीगल एक्शन, यानी जब मैसेज आ गया तो समझो कार्रवाई होगी, क्योंकि एक यानी सच्चा और ईमानदार यानी जो जेडीए का अधिकारी जो अब तक जो नजर आ रहे हैं उनके पास अगर कोई इस प्रकार की सूचना जाती है तो वो दिखवाते हैं, दिखवाने के बाद अगर गलत पाया गया तो कार्रवाई भी करवाते हैं। यहाँ तक जब जोन प्रवर्तन अधिकारी
झूठा फुटेज और वीडियो उपलब्ध हमें करवाते हैं, यानी उन्होंने मुझे खुद को यानी व्हाट्सएप पे रिटर्न में फुटेज भेजे हैं, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट भी रखे हुए हैं कि उन्होंने जेसीबी चलते हुए दिखाया कि हमने इस पे कार्रवाई कर दी है। नहीं भाई, उस पे कार्रवाई नहीं करी। ऐसा मैं आपको बता दूं कि जो फुटेज आपने भेजे थे वो किसी दूसरी स्कीम के फुटेज है। उसी समय मौका स्थिति पे यानी हमने जाके देखा तो वो तो निर्माणीयता स्थिति है, यानी चालू है, और उसमें प्लॉटिंग जो काटी गई है उसमें यानी प्लॉटिंग नहीं, कॉमर्शियल दुकान की भी जगह काटी गई है। वहां के जो कॉलोनी काट रहे हैं उनका कहना है कि 9 लाख रुपए में दुकान की जगह है और 7,000 रुपए पर गज यानी ये जमीन दी जा रही है जो कृषि भूमि की जमीन है। करदान जी, आप बता रहे हैं कि वहां पर कॉलोनाइजर के मिलीभगत भी देखने को मिलती है, तो वहीं पर जेडी के अधिकारियों को भी मिलीभगत सामने आ रही है। लेकिन अभी आपने बताया कि कंट्रोल के ऊपर वो पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार शिकायत कौन कर रहा है, तो शिकायत करने के बाद में आपने बताया कि अभी आपके ऊपर एक विजुअल भी मौजूद कराए गए हैं, आपको उपलब्ध कराए गए हैं, तो ये विजुअल आपने आखिरकार ये अधिकारियों को क्यों नहीं दिखाए कि इन विजुअल के आधार पर ही वहां पे बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई की गई है, जबकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जब मैंने यानी उन्होंने सीआई साहब राजेंद्र शर्मा जी ने मुझे फुटेज भेजा कि ये कार्रवाई कर दी गई है, तब रिटर्न में हमने वहां जाके देखा तो ऐसा कोई कार्रवाई वहां करी हुई नजर नहीं आई। तो यानी व्हाट्सएप के माध्यम से या जैसे भी यानी सादा कॉल नहीं उठाते जोन प्रवर्तन अधिकारी, क्यों नहीं उठाते भाई? एक सच्चाई है, अगर गलत हो रहा फोन पर किए ना, बिल्कुल गलत है, तो अगर इसको हम देख पाते हैं और कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया, तो आखिरकार वो फुटेज हम वापिस कैसे भेजें उसको, यानी फुटेज वापस यानी जो जोन प्रवर्तन अधिकारी है उस फुटेज को हम वापस नहीं भेज सकते थे। हमने उनको खबर प्रकाशित की है, खबर भी चलाई है, अब कंटिन्यू खबर चल भी रही है और आखिर तक चलती रहेगी, लेकिन हमने जो उस कॉलोनी जो काटी जा रही है, बाउंड्री वॉल किया जा रहा है, वहां पे जो जमीन समतल की जा रही है, वहां रोडे जो बिछाई जा रही है, जो यानी जिसको बोलते हैं मोरम रोड जी, सीसी रोड जो बिछाई जा रही है, उनके फोटो फुटेज हमने सीसी साहब को उपलब्ध करवा दिए हैं। आखिरकार उनका मैसेज भी आया कि बिल्कुल इस पे लीगल कार्रवाई की जाएगी, अगर गलत है तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जेडीए में 18 से 20 जो जोन है उनके जो जोन प्रवर्तन अधिकारी है, ऐसे ऐसे जोन है जिनको मैं गिना नहीं सकता, कि अगर मान लो कि प्रवर्तन अधिकारी को कंट्रोल के माध्यम से मैसेज मिलता है तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाती है। एक जोन 14 ही ऐसा क्यों है जो जोन प्रवर्तन अधिकारी के यानी संज्ञान में मामला आने के बाद भी सिर के ऊपर से निकाल देते हैं? ऐसा नहीं है, गलत बात है। कटार जी, जोन के अंदर जोन अधिकारी भी चेंज होते हुए रहते हैं, आपने देखा होगा कि लगातार जोन अधिकारियों को कभी तबादले कर दिए जाते हैं, कभी दूसरे जोन में लगा दिया जाता है, तो क्या यह ऐसा सिलसिला पूरे राजधानी जयपुर में अलग अलग जोनों में चलता है या फिर एक जोन 14 में देखने को? देखिए मैं आपको बता दूं कि क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप है मिलीभगत का और अवैध निर्माण राजधानी में खत्म नहीं। पांचों उंगली सब में बरोबर नहीं होती है, लेकिन जोन जेडी में जितने भी है प्रवर्तन अधिकारी के संज्ञान में मामला जाने के बाद प्रवर्तन अधिकारी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हैं, गलत है तो उन्हें नोटिस देते हैं, नोटिस के माध्यम से भी अगर नहीं समझते तो तोड़फोड़ की जाती है। यानी राजेंद्र शर्मा जी से पहले जो जोन प्रवर्तन अधिकारी वहां मौजूद थे, जैसे धर्म सिंह मीणा जी थे, रोहित श्रीवास्तव जी भी थे, तमाम यानी जो सैटरडे संडे को भी यानी जो शनिवार इतवार को उसको अगर ड्यूटी चेंज होती है तो वो भी वहां आते जाते रहते हैं, तो उसी जोन 14 के अंदर कम से कम 50 से 60 डुप्लेक्स सीज किए हैं। पूर्व में जो प्रवर्तन अधिकारी थे उन्होंने सीज किए, कई ऐसे कॉलोनियां हैं जिनको तोड़फोड़ भी की है, कई ऐसे निर्माण हैं जिनको रोके भी है, लेकिन जोन 14 में अभी जो प्रवर्तन अधिकारी जो राजेंद्र शर्मा जी है उनके माध्यम से ये लगा लो कॉमर्शियल निर्माण इतने यानी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं कि यानी एक तरह से गुलाबी नगरी जो यानी मेन मार्केट जो गुलाबी नगरी पैसा बाजार का बनता हुआ जा रहा है, यानी 25 से 30 दुकानें एक साथ बनी जा रही है, यानी पासोनाथ एनक्लेव है उसमें देखिए आप जोन 14 में आता है पासोनाथ एनक्लेव उसमें 17 से 18 दुकानें बनाई जा रही है बेसमेंट से लेकर ऊपर तक, जब हमने जाना तो उनका कहना है 27 लाख रुपए की दुकान दी जा रही है। तो मैंने कहा, मैं खुद उस कवर को करने गया तो हमने कहा कि ये जेडीए का क्या सीन है, बोला वो सब हमारी बात हो रखी है। अब आप समझ सकते हैं क्या बात हो रखी है, बात हुई तभी तो निर्माण इतना कंप्लीट हुआ। मैं आपकी खबर के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से जोन प्रवर्तन अधिकारी राजेंद्र शर्मा जी को कहना चाहता हूँ, जो जो एड्रेस मैंने बताया आपको, जो जो फुटेज मैं आपको उपलब्ध करवा चुका हूँ, पासोनाथ एनक्लेव में जो दुकानें बनाई जा रही है उनको सीज करिए, उन पे अगर जेडीए के नियम अनुसार जो कार्रवाई करती है वो करिए, और जो कृषि भूमि पर जो कॉलोनी बसाई जा रही है वहां पर कार्रवाई आपको करनी चाहिए। करतार जी, आप कह रहे हैं कि आपने अवगत भी कराया लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, और अब आपने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया लेकिन इसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? देखिए पत्रकार का काम सिर्फ कवर करने का होता है, ना कि पत्रकार एक एजेंसी नहीं है कि वहां जाए और कार्रवाई करे, इस प्रकार से बातें करे। बात बाकी हमारा काम यानी जो समाज आता है, जो पत्रकार है, जो यानी
धूप छाव नहीं देखता और अपनी खबर को यानी अंजाम तक पहुंचाता, कोई काम पत्रकार करेगा, वही मैं करूंगा, मैं भी पत्रकार। आपका कहना सही है, लेकिन इसका समाधान ये नहीं निकलता है कि अगर उच्च अधिकारियों को देने के बाद भी बाबर कार्रवाई नहीं हो और आपकी आवाज को दबा दिया गया, तो एक पत्रकार की आवाज को दबाना होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उच्च अधिकारी के पास, मैंने बोला ना पूरे अधिकारी समान नहीं होते, उच्च अधिकारी के संज्ञान में मामला हमने डाला है, तो हमें लगता है कि यानी जो अवैध जो कॉलोनी बसाई जा रही है इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, इस अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई की जाएगी या नहीं, इससे तो हम आप सभी को अगली रिपोर्ट में जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल कुल खोल के अंदर इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।